एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट, पहला दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0, दूसरा दिया हुआ है x इक्वल्स टू माइनस 1, तीसरा दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां जो वेरिएबल दिया हुआ है इस वेरिएबल के जगह कुछ वैल्यूज पुट कर दें, जैसे कि यहां पर वेरिएबल x है, तो सबसे पहले आप x का वैल्यू 0 पुट करके देखो कि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है, उसके बाद x का वैल्यू -1 पुट करके देखना है, फिर x का वैल्यू 2 पुट करके देखना है। बहुत सिंपल है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यहां पर x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहां पर अगर x का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p ऑफ x, क्योंकि इसका वेरिएबल x है। ठीक है, ये p ऑफ x कैसे लिख सकते हैं ये सब चीज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, वो आप देख सकते हो। आप देखो यहां पर अगर x का वैल्यू 0 पुट करना है तो इसको लिखेंगे पहले p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, एक्स के जगह 0 लेंगे, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर। देखो इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, x और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसलिए 5 इंटू 0 लिख रहा हूं। फिर यहां आ गया प्लस 3, 5 इंटू 0 0 हो गया, माइनस अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा और 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 3, फाइनल आंसर इसका बच गया 3। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 पुट किया जाए तो इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, 3। आगे देखते हैं, अगर इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं, अगर x का वैल्यू -1 पुट किया जाए तो क्या होगा, इक्वेशन सॉरी पॉलिनोमियल हमारा सेम है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, यहां पर x का वैल्यू -1 पुट करना है तो 5 इंटू -1, ठीक है, फिर -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखो जब कभी भी आपको माइनस वाला वैल्यू पुट करना हो तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्यों करना मैं अभी बताता हूं। 5 इंटू 1 तो 5 हो गया, लेकिन ये जो माइनस है और ये प्लस है इसका मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से करना, बोल बोल के कर लेना, भले 5 मिनट या 2 मिनट ज्यादा समय लग जाए लेकिन आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग 5 into 1 5 लिख दिए, 4 into 1 4 लिख दिया, आंसर आ गया लेकिन आंसर गलत हो जाता है क्योंकि हमने साइन का ध्यान दिया ही नहीं। ठीक है, अब यहां क्या होगा, देखो अब ये तो पहले -4 लिख लेते हैं, यहां देखो -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा लेकिन माइनस का भी तो स्क्वायर होगा, -1 into -1। ठीक है, 1 into 1 तो 1 हो गया, -into-+ हो गया। ठीक है, तो 4 into 1 हो गया, यहां पर 4 into 1 4 ही आएगा, प्लस 3, -5 -4 इन दोनों का आपस में एडिशन हो सकता है क्योंकि -into-+ होगा, 5+4 हो गया 9, साइन किसका लगेगा जो बड़ा, 5 बड़ा है, 5 का साइन माइनस है तो यहां आ गया माइनस, ये आ गया प्लस 3। अब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि -into+ होता है, 9 - 3 हो गया 6, जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, 9 बड़ा है उसका साइन है माइनस। ठीक है, तो ये आ गया -6। देखो ये आंसर हमेशा गड़बड़ यहां पर लोगों का इसलिए हो जाता है क्योंकि वो यहां पर साइन का ध्यान नहीं देते, आपको साइन को साथ में लेके चलना है। ठीक है, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड प्रॉब्लम, x इक्वल्स टू 2, अब इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 को पुट करना है, 5x - 4x² + 3, अगर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 into 2 - 4 into, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3, 5 2 हो गया 10, माइनस अब देखो 4 into 4 का स्क्वायर यानी कि फिर से 4 2 into 2 4 हो गया, प्लस 3, अब आ गया 10 माइनस 4 into 4 हो गया 16 प्लस 3, अब 10 प्लस में और 3 प्लस में दोनों को ऐड कर लेते हैं, 10 + 3 हो गया 13 माइनस 16, ये प्लस में ये माइनस में दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा और जो बड़ा है उसका साइन लेना पड़ेगा,
बड़ा है 16, उसका साइन है माइनस, तो आंसर इसका आंसर आएगा माइनस 3। ठीक है, तो इसी तरीके से कहीं पे भी अगर पॉलिनोमियल में आपको वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू आंसर लाना है, तो आपको जो वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू जीरो दिया है, जीरो पुट कर लो, माइनस वन दिया माइनस वन पुट कर लो, टू दिया है टू पुट कर लो और सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।